कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति। तो इसी पुस्तक का अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर। तो इस पाठ के आज हम आधे प्रश्न करेंगे भाग 1 में, और भाग 2 में जो बाकी प्रश्न बचेंगे उनको हम करेंगे। तो पाठ को शुरू करने से पहले प्रस्तावना के रूप में दो चार बातों को जान लेना जरूरी है। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपने याद रखनी है कि दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। तो 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जिसके कारण ये दोनों शहर नष्ट हो गई और इसी के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। दूसरे विश्व युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, ये भी याद रखना है, और जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड भी हम उसको कह सकते हैं, सोवियत संघ जिसको आजकल रूस कहते हैं, चीन और फ्रांस शामिल थे, तथा दूसरी ओर दूरी राष्ट्र थे जिसमें इटली, जर्मनी और जापान शामिल थे। युद्ध से पहले ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि देश जो शक्तिशाली हुआ करते थे, युद्ध में हुई जन और धन की भारी हानि के कारण कंगाल हो गई। अतः युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों को के रूप में उभरकर सामने आए। इन दोनों महाशक्तियों के बीच अपनी अपनी शक्ति को दिखाने के लिए जो प्रतियोगिता चली उसे शीत युद्ध कहा जाता है। तो शीत युद्ध के अर्थ को आगे प्रश्न नंबर 1 में समझाया गया है। तो प्रश्न नंबर 1 अगर हम करें तो प्रश्न नंबर 1 है कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है, शीत युद्ध की विशेषताएं बताइए। दो बातें इसमें हम करेंगे, शीत युद्ध का अर्थ और शीत युद्ध की विशेषताएं। तो शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमरीकी राजनेता बर्नार्ड बारूच ने किया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी है सभी बच्चों ने। शीत युद्ध शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रोफेसर वाल्टर लिपमैन को जाता है। उन्होंने 1947 में कोल्ड वार नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण संबंधों का वर्णन किया अतः साधारण शब्दों में शीत युद्ध का अर्थ उस तनावपूर्ण अवस्था से है जिसमें युद्ध न होते हुए भी युद्ध के समान परिस्थितियां बनी रहती हैं। यह एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें लड़ाई का मैदान युद्ध भूमि नहीं होती बल्कि आदमी का दिमाग होता है। यह एक तरह का वाक युद्ध जो है, जो जुबान से लड़ा जाता है, यह एक तरह का वाक युद्ध होता है जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टेलीविजन से लड़ा जाता है। अतः साधारण शब्दों में दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण संबंधों को शीत युद्ध कहा जाता है। डेड लाइन में अगर आपने अर्थ बताना है तो बिल्कुल ये एक सरल सा अर्थ है शीत युद्ध का, कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण संबंधों को शीत युद्ध कहा जाता है। एक परिभाषा भी, कई बार शीत युद्ध को परिभाषित कीजिए नाम से भी आ जाता है, तो परिभाषित करने के लिए हम ग्रीव्स की परिभाषा दे सकते हैं, GRIEVES। तो ग्रीव्स के अनुसार शीत युद्ध शब्द का प्रयोग प्रायः उन तनावपूर्ण संबंधों के लिए किया जाता है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बने। वही ऊपर वाला जो अर्थ है सेम उसी को ही ग्रीव्स ने बताया है कि शीत युद्ध शब्द का प्रयोग प्रायः उन तनावपूर्ण संबंधों के लिए किया जाता है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बने। शीत युद्ध के लक्षण या फिर विशेषताएं, ऊपर जो हमने अर्थ बताया है
और जो अन्य बातें की है उनके आधार पर हम चार पांच बातें शीत युद्ध के बारे में बता सकते हैं। तो शीत युद्ध के लक्षणों में या शीत युद्ध की विशेषताओं में पहली विशेषता है कि शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति थी। ऊपर जो भी बताया गया है कई बार उसको तीन चार लाइनों में बताना होता है वही उसकी विशेषताएं बन जाती है। तो पहला है कि शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति थी। दूसरी विशेषता है शीत युद्ध की, शीत युद्ध एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति थी जो दिमागों से लड़ा गया था, क्योंकि इसमें जो लड़ाई का मैदान होता है वो आदमी का दिमाग होता है। तो इस प्रकार ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति थी जो दिमागों से लड़ा गया था। तीसरी विशेषता है शीत युद्ध की जो हम बता सकते हैं, और वो है कि शीत युद्ध में युद्ध न होते हुए भी युद्ध के समान परिस्थितियां बनी हुई थी और युद्ध से बचने का भी प्रयास किया गया था। चौथी विशेषता है शीत युद्ध की कि शीत युद्ध एक तरह का वाक युद्ध था जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टेलीविजन से लड़ा गया था। पांचवी विशेषता है शीत युद्ध की कि शीत युद्ध में दो गुट थे, ऊपर जो बताए जा चुके हैं, एक अमेरिका का गुट था और दूसरा सोवियत संघ का गुट था। इन दोनों गुटों में विश्व के देशों को अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए प्रतियोगिता चल रही थी। और शीत युद्ध की छठी विशेषता है कि शीत युद्ध में दोनों देश गुप्तचरी और सैनिक संधियों के द्वारा अपनी अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे। तो छह विशेषताएं हमने आपको बताई हैं, इन छह में से कोई सी भी चार विशेषताएं कई बार पेपर में आ जाती है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि शीत युद्ध के कारण क्या थे, वो कौन से कारण थे जिनके कारण शीत युद्ध शुरू हुआ। तो शीत युद्ध के कई कारण थे, उसमें जो पहला कारण था वो था विचारधारा का मतभेद, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं। कि शीत युद्ध का सबसे पहला कारण दोनों देशों, और दोनों देश कौन कौन से, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारा का अंतर था। सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी विचारधारा थी जबकि अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा थी। ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे की विरोधी थी। अगर दोनों विचारधाराओं की बात करें तो दोनों एक दूसरे की विरोधी थी, इसलिए दोनों देश एक दूसरे की विचारधारा के प्रसार को रोकना चाहते थे। इसी कारण दोनों देशों में शीत युद्ध शुरू हुआ। तो पहला जो कारण था वो था विचारधारा का मतभेद। अगली अगर हम कारण पर गौर करें तो अगला कारण है रूस की क्रांति, जिसके कारण दोनों देशों के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ। क्या थी रूस की क्रांति? 1917 में रूस में मजदूरों और किसानों ने क्रांति की और वहां साम्यवाद की स्थापना की। 1917 में रूस में मजदूरों और किसानों ने क्रांति की और वहां साम्यवाद की स्थापना की। पूंजीवादी देशों को यह डर सताने लगा कि कहीं उनके देशों में भी मजदूर और किसान एकजुट होकर क्रांति न कर दे और पूंजीवाद को उखाड़ फेंके। इसलिए पूंजीवाद की वकालत करने वाले अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ही पूंजीवाद का समर्थक था, तो इसलिए पूंजीवाद की वकालत करने वाले अमेरिका ने साम्यवाद का विरोध कर दिया, जिसके कारण दोनों देशों में शीत युद्ध शुरू हुआ। और तीसरा कारण था दूसरे मोर्चे का प्रश्न। क्या था ये? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी की सेनाएं बड़ी तेजी से सोवियत संघ की तरफ बढ़ती जा रही थी, तो रूस ने अमेरिका और इंग्लैंड से कहा कि वे लड़ाई का एक और मोर्चा, रूस ने, यहां ध्यान रखना है, रूस ने अमेरिका और इंग्लैंड से कहा, क्योंकि रूस जो था मित्र राष्ट्रों में शामिल था, तो रूस ने अमेरिका और इंग्लैंड से कहा कि वे लड़ाई का एक और मोर्चा खोल दें ताकि जर्मनी की सेनाएं रूस से हटकर, जर्मनी की सेनाएं रूस से हटकर उस मोर्चे पर लग जाएं। लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड ने दूसरा मोर्चा खोलने में देरी की। इससे सोवियत संघ ने यह अनुमान लगाया कि अमेरिका और इंग्लैंड ने जानबूझकर दूसरा मोर्चा खोलने में देरी की ताकि जर्मनी की सेनाएं सोवियत संघ को खत्म कर दी। अतः दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ इन दोनों देशों, दोनों देश कौन से, अमेरिका और इंग्लैंड को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए शीत युद्ध शुरू हुआ।
और चौथा कारण है शीत युद्ध का, वो था अमेरिका द्वारा परमाणु बम का प्रयोग। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने गुप्त ढंग से परमाणु बम बनाया। उसने इस परमाणु बम की जानकारी ब्रिटेन को तो दी, लेकिन सोवियत संघ को नहीं दी। इससे सोवियत संघ को गहरा धक्का लगा। उसका यह मानना था कि जब दूसरे विश्व युद्ध में वह मित्र राष्ट्रों के साथ था तो उससे यह राज छिपाया नहीं जाना चाहिए था। दूसरे जो दूसरा कारण था, दूसरे सोवियत संघ को यह भी लगा कि अमेरिका परमाणु बम का प्रयोग करके यह सिद्ध करना चाहता था कि वही दुनिया में एकमात्र शक्ति है। इससे भी दोनों देशों में अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की होड़ लग गई, जिससे शीत युद्ध का जन्म हुआ। और शीत युद्ध का पांचवा कारण था सोवियत संघ का अमेरिका विरोधी प्रचार। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के अखबारों और नेताओं ने अमेरिका की नीतियों और कार्यक्रमों की खुलकर आलोचना की। इससे अमेरिकी सरकार काफी नाराज हुई और इससे भी शीत युद्ध को हवा मिली। एक छठा कारण है शीत युद्ध का दोनों देशों के बीच शुरू होने का। जब सोवियत संघ ने अमेरिका विरोधी प्रचार किया तो छठा पॉइंट आता है अमेरिका का सोवियत संघ विरोधी प्रचार। जिस प्रकार सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार किया गया, उसी प्रकार अमेरिका द्वारा भी सोवियत संघ के विरुद्ध प्रचार किया गया। अमेरिका ने साम्यवाद के प्रचार को रोकने के लिए अमेरिका ने, क्योंकि अगर उनके पूंजीवादी देशों में इसका प्रचार होगा तो उसको रोकेगा, तो अमेरिका ने साम्यवाद के प्रचार को रोकने के लिए पूंजीवादी देशों को यह डर दिखाया कि साम्यवाद उनके लिए एक खतरा है, इसलिए वे इससे बचकर रहें। इससे भी शीत युद्ध का जन्म हुआ। एक सातवां कारण है और वो है लैंड लीज कानून को समाप्त करना। लैंड लीज कानून को समाप्त करना, तो लैंड लीज कानून के तहत अमेरिका सोवियत संघ को आर्थिक सहायता देता था दूसरे विश्व युद्ध से पहले। तो लैंड लीज कानून के तहत अमेरिका सोवियत संघ को आर्थिक सहायता देता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति थे अमेरिका ट्रूमैन, तो ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने लैंड लीज कानून को समाप्त कर दिया। इस कानून के समाप्त होने के बाद रूस को मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद हो गई और यह बात भी शीत युद्ध का कारण बनी। एक आठवां कारण है और आठवां कारण है कि सोवियत सेनाओं का ईरान पर अधिकार। सोवियत सेनाओं का ईरान पर अधिकार। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ की सेनाओं ने उत्तरी ईरान पर, सोवियत संघ की सेनाओं ने उत्तरी ईरान पर कब्जा कर लिया। वहीं ब्रिटेन और अमेरिका की सेनाओं ने दक्षिणी ईरान पर कब्जा कर लिया। युद्ध की समाप्ति, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन और अमेरिका ने तो अपनी सेनाएं ईरान से हटा ली, लेकिन सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं ईरान से हटाने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के कारण सोवियत संघ को अपनी सेनाएं ईरान से हटानी पड़ी। सोवियत संघ ने इसे अपना अपमान समझा और यह बात भी शीत युद्ध का कारण बनी। अगला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है वो है शीत युद्ध के अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार वार्षिक परीक्षा में आ जाता है शीत युद्ध के अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े। तो कई प्रकार के प्रभाव पड़े, कुछ पॉइंट्स के जरिए करेंगे। और उसमें पहला आता है विश्व का दो गुटों में बट जाना। शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व दो गुटों में बट गया। एक गुट साम्यवादी गुट था जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और दूसरा गुट पूंजीवादी गुट था जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। तो पहली शीत युद्ध का जो पहला प्रभाव अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पड़ा वो था विश्व का दो गुटों में बट जाना। इसके बाद दूसरा जो प्रभाव पड़ा वो था सैनिक गठबंधनों का निर्माण। शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों ने
अपनी अपनी सुरक्षा करने के लिए अनेक सैनिक गठबंधन बनाए और इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने की 1949 में। डेट याद रखनी है, सन याद रखना है, 1949 में उसने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसका जो छोटा नाम है वो नाटो कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इसमें 12 देश शामिल थे नाटो में। इसकी देखा देखी में सोवियत संघ ने भी 1955 में, ये भी आपने सन याद रखना है, वारसा संधि नाम से सैनिक गठबंधन की स्थापना की। और तीसरा जो प्रभाव पड़ा अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का, वो था गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति शीत युद्ध के दौरान ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई। इस आंदोलन में वे देश शामिल थे जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, तथा जो दोनों गुटों से अलग रहना चाहते थे। तो इन्हें दोनों गुटों से अलग रहते हुए अपना एक अलग आंदोलन चलाया, जिसको हम कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो ये भी एक प्रभाव पड़ा। और चौथा जो प्रभाव पड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का, वो था सशस्त्रीकरण को बढ़ावा। शीत युद्ध के कारण सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। इस दौरान दोनों देशों ने अपनी अपनी शक्ति को दिखाने के लिए खतरनाक हथियारों का निर्माण किया। तो चार नंबर में प्रश्न आता है, चार पॉइंट आप इस कर लिख कर आ सकते हैं। एक और प्रश्न है जो इसमें हम पहले भाग में कर सकते हैं, वो है शीत युद्ध के दायरे से क्या अभिप्राय है। शीत युद्ध के दायरे से क्या अभिप्राय है? तो शीत युद्ध के दायरों से अभिप्राय उन क्षेत्रों से है, शीत युद्ध के दायरों से अभिप्राय उन क्षेत्रों से है जहां कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों गुटों, और दोनों गुट कौन कौन से थे, अमेरिका और सोवियत संघ, जब दोनों गुटों में बटे देशों के बीच युद्ध होने की संभावना बढ़ी, लेकिन फिर भी युद्ध को टाल दिया गया। क्योंकि दोनों महाशक्तियां इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि युद्ध को टालने में ही दोनों देशों की भलाई। जैसे कौन कौन सी कई बार जो अवसर आए, क्यूबा का मिसाइल संकट था, कोरिया युद्ध था और बर्लिन संकट था। ये वो दायरे थे जब दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना बढ़ी। आदि कुछ ऐसे ही मौके थे जब दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध की स्थिति बनी, लेकिन फिर भी युद्ध को टाल दिया गया। और इसी में हम पहले भाग में ही एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो है क्यूबा मिसाइल संकट पर नोट लिखो। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो इस पाठ का एक क्वेश्चन माना जाता है। तो क्यूबा मिसाइल संकट पर नोट लिखो, क्या था क्यूबा मिसाइल संकट? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के पास ऐसे ठिकानों की खोज कर रहे थे, ठिकानों के मतलब स्थानों की या फिर देशों की। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के पास ऐसे ठिकानों की खोज कर रहे थे जहां से वे एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। ऐसी ही एक घटना क्यूबा की। क्यूबा अमेरिका के पास एक टापू है, या हम कह सकते हैं एक द्वीपीय देश है, समुद्र में एक देश है। तो क्यूबा अमेरिका के पास एक द्वीपीय देश है। 1959 में सोवियत संघ ने क्यूबा में फिडेल कास्त्रो, एक इंपॉर्टेंट नाम है याद रखना है आपने, तो 1959 में सोवियत संघ ने क्यूबा में फिडेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना की। अमेरिका के पास यह एकमात्र ऐसा देश था जहां साम्यवादी सरकार, क्योंकि अमेरिका जो है पूंजीवादी विचारधारा को मानता है, तो अमेरिका के पास यह एकमात्र ऐसा देश था जहां साम्यवादी सरकार थी। इसलिए इस बारे में अमेरिका का चिंतित होना लाजमी था। 1961 में सोवियत संघ को शक हुआ कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण करके कास्त्रो को हटाना चाहता है और वहां अपनी मर्जी की सरकार स्थापित करना चाहता है। इसलिए 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी। मिसाइलें तैनात कर देने से अमेरिका सोवियत संघ के निशाने पर आ गया। यहां से वह अमेरिका पर हमला कर सकता था। अमेरिका ने सोवियत संघ को चेतावनी दी
कि वह अपनी मिसाइलों को हटा ले, नहीं तो युद्ध होकर रहेगा। इसके लिए उसने अपने जंगी जहाजों को क्यूबा की ओर बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण सोवियत संघ ने क्यूबा से अपनी मिसाइलों को हटा लिया। अतः क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध की चरम सीमा माना जाता है। इंपोर्टेंट कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है कि शीत युद्ध की चरम सीमा कौन क्या थी, तो क्यूबा का मिसाइल संकट जो था वो शीत युद्ध की चरम सीमा था और ये 1962 में हुआ था। एक और जो प्रश्न है इसी भाग में हम करेंगे और वो है शीत युद्ध में भारत की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर में प्रश्न आ जाता है कई बार ये कि शीत युद्ध में भारत की क्या भूमिका रही, तो वो स्पष्ट करनी है। तो शीत युद्ध में भारत की भूमिका को निम्नलिखित शीर्षकों, जिनको हम पॉइंट्स कहते हैं, निम्नलिखित शीर्षकों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। और उसमें पहला जो है वो है स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण। स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण पहला पॉइंट है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में बहुत से देश स्वतंत्र हुए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में बहुत से देश स्वतंत्र हुए। इनमें से ज्यादातर देश या तो अमेरिका वाले गुट में शामिल हो गए या फिर सोवियत संघ वाले गुट में, और ये देश उन्हीं के कहने पर अपनी विदेश नीति बनाने लगे। लेकिन भारत ने दोनों गुटों से अलग रहते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया। जो पहली भूमिका है वो ये है कि भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया, जबकि विश्व के ज्यादातर देशों ने उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के कहने से अपनी विदेश नीति का निर्माण किया। एक दूसरी भूमिका जो भारत की है वो है गुटों से अलग रहना। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, लेकिन भारत ने दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया। भारत न केवल स्वयं दोनों गुटों से अलग रहा बल्कि दूसरे देशों को भी इन गुटों में शामिल होने से रोकने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है भारत की। और तीसरा है तनाव को कम करने में भूमिका, शीत युद्ध के तनाव को कम करने में भूमिका। तो शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच कई बार तनाव उत्पन्न हुआ, जैसे क्यूबा का मिसाइल संकट हम ऊपर देख चुके हैं। इस तनाव को कम करने में भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि भारत तनाव को कम करने में सक्रिय भूमिका न निभाता तो दोनों महाशक्तियों के बीच तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बन जाती। तो दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव को कम करने में भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और एक चौथा पॉइंट है जो भारत की भूमिका को बताता है वो है शीत युद्ध को समाप्त करने में भूमिका। तो शीत युद्ध को समाप्त करने में भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध को समाप्त करना ही है। वास्तव में शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध को समाप्त करना था, क्योंकि वही देश गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो सकते थे जिन्होंने किसी सैनिक गुट के साथ कोई समझौता न किया है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमने भाग एक में किए हैं। इसके साथ ही हम भाग दो आपके सामने लेकर आएंगे, तो आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिख ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से भी ये प्रश्न कई बार